वो मेरे को कहता कि यार तलम यार, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां इतनी क्यूट है, इनको चाहिए कोरियन. सो दैट इज लाइक द एपिटमी ऑफ बीइंग एन एशियन. और लाइक इधर मैं अपनी सेटिंग नहीं करा पा रहा, तेरी नहीं आ पा रहा. मर्द हूँ बट चूतिया नहीं. तो in the college 2022, I am here to perform a stand-up comedy. So you know, coming into this Northeast cell, we had a lot of misconceptions actually. As freshers, हम सोच रहे थे कि ये cell वाले हमें Northeast की trip कब ले जाएंगे. The sad part is कभी नहीं. But see, as Northeasters, you know, this is certain moral obligation. Like हमें, we have to get included in this cell and represent ourselves. You know, but the non-Northeastern members of our cell, they come with the wildest of expectations. Like एक बंदा आया, वो मेरे को कहता कि यार तलम यार, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां इतनी क्यूट है, वो इतनी क्यूट है, अरे पटाके देना यार. And I'm like, bro, पहली बात इनको चाहिए कोरियन. So that is like the epitome of being an Asian, right? Or like, इधर मैं अपनी सेटिंग नहीं करा पा रहा, तेरी नहीं आ पा रहा. So you know, there's this popular perception ki Northeast resembles K-pop, and I personally am not accustomed with the Korean culture, nor do I listen to that genre of music. But you know, this is like, अब तो इट्स ऑलमोस्ट एज एन यूनिवर्सल मेंस थिंग कि लाइक हमको ये पसंद नहीं करना, बस नहीं करना करके. एंड इट्स ऑलमोस्ट एज एन लाइक वी एज नॉर्थ ईस्टर्न्स, आई पर्सनली बिलीव कि वी टू समवॉट अन एक्सटेंट ओ बीटीएस अ वोट ऑफ थैंक्स. लाइक हमें उनके तहत कुछ हद तक शुक्रगुजार रहना चाहिए एज नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि बिकॉज इफ इट ऑल दिस समथिंग कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट फेटिश, इन बीटीएस वालों ने हमारे लिए बनाया है इंडिया में. So, hello people, good afternoon. My name is Navan Talam. I am from the English department. I am an esteemed member of the Northeast Cell Hindu College, and I'm here to perform a stand-up comedy. So, moti taur pe main jokes bolunga aur aapko hansna hai. Like, itna rishta hai. So, you know, I get this question a lot nowadays. Ki, like, Talam, why stand-up comedy? As a talent professor, stand-up comedy is you. So like, I say this for very two simple reasons. First, I have a somewhat very good grip on my language skills. मैं शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छे तरह बोल लेता हूँ. And the second reason is more so fundamental. कि अगर आप सही से सोचोगे, the very idea एक नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल का बंदा शुद्ध हिंदी बोल रहा है is somewhat funny in itself. Like, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, लाइक दे सिंपली लाफ, फालतू का हंस देते हैं. एंड आई लाइक, इसके पैसे मिल सकते हैं मुझे बाद में. तो दिस इज नॉट अ स्टैंड अप, इट्स एक्चुअली अ स्टार्टअप पिच, यू नो. एंड यू नो, नॉर्थ ईस्टर्न्स, वी आर यूनिक, राइट? वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेनलैंडर्स लाइक नॉर्दर्न एंड सदर्न. हम उनकी तरह थोड़ा दिखते नहीं है, लाइक वी आर हाईलाइटेड. तो इफ यू सी फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, हम लोग वी आर लाइफ प्रूफ ऑफ आवर क्राइम्स. लाइक हम अपने गुनाहों के, गलतियों के जीता जागता सबूत हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ ग्रेड, ये मैं चेन्नई में रहता हूँ, एंड देयर वर लाइक, वहाँ पे आई तक सेक्शन होता था. सो दैट्स लाइक 9 सेक्शंस, और सब में 25-30 बच्चे. अब लाइक मुझे बंक करना रहता था, मैं क्लास स्किप करके चला गया. टीचर आती, 2 मिनट में पता लग गया, और कहती इस क्लास में डाइवर्सिटी नहीं दिख रही, उस बंदे को पकड़ के लाओ करके. तो इस छोटी आग चपटी नाक ने जिंदगी में बहुत फंसाया मुझे. एंड यू नो, दिस डिफरेंस इज मोर सो विटनेस व्हेन यू आर एन ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट, जब आप बाहर पढ़ाई करने जाते हो. तो आई रिमेंबर वंस, हम लोग वी वेंट टू अ मैरिज, हम एक शादी पे गए थे. तो नहीं, कोई रिलेटिव का नहीं था, खाने गए थे बस ऐसे करके. तो
गोवा में, सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, देयर इज अ गेम कॉल्ड 50-50. तो इसमें क्या होता है, यूजुअली व्हेन यू आर एंजॉयिंग द फेस्टिवल्स और वहाँ फ्री का खाना खा रहे हो, तो एक बंदा आएगा आपको, यूजुअली मर्द होता है, वो आके कहेगा आपको कि आप किसके साइड से हो. तो यू हैव टू गेस कि ये बंदा किस साइड से है और इसका पोलर ऑपोजिट बोलना है ऐसे करके. सो इफ लाइक फ्रॉम द गर्ल साइड आपको बॉय बोलना है, बॉय टू गर्ल. तो एक हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था पांडे. तो पांडे जी ने कर रखा था PhD इस गेम में. तो हम तो ये कह के गए थे कि आज का खाना पांडे के नाम करके. तो हम गए उधर एंड ईटिंग ऑल द फेस्टिव्स, यू टेकिंग, हम परोस रहे हैं सब कुछ. तो उतने में एक आया बंदा और वो पूछ रहा है लाइक आप किसके साइड से हो करके. एंड हम लाइक, तो हम पांडे को देख रहे हैं और पांडे सब कुछ एनालाइज कर रहा है. वो देख रहा है इसने क्या पगड़ी पहनी है, इसने क्या कपड़े पहने हैं ऑल दैट. फिर 10 सेकेंड बाद वो कहता कि हम लड़की के साइड से करके. तो बंदा जब पूछ रहा था कहता तो हम भी आज का खाना मिल गया. बट उतने में ही जब वो जा रहे थे, एक बंदा मुझ पर पॉइंट करता है एंड लाइक साउथ इंडियन ड्राइव का नॉर्थ ईस्टर्न भाई निकल गया से. तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इज रियली नॉट नोन फॉर बिग सिटीज राइट, हमारे उधर बड़े शहर हैं ही नहीं. तो व्हाइल देयर आर सम पर्क्स ऑफ लिविंग इन अ कॉम्पैक्ट टाउन, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज आई हैव विद दैट इज कि आप जब भी दिल्ली से आने वाले होते हो, 2 दिन पहले आपको एक कॉल आएगा, यूजली ये लड़की होती है. द कॉल वाज लाइक हेलो नाबम तालम, एंड आई एम लाइक यस हाँ हाँ जी कौन बोल रहे हैं. एंड आई एम लाइक शी वाज लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल. तो लाइक मेरा सामान छूट गया था अरुणाचल में, तो आप उसको प्लीज़ ला पाओगे थोड़ा सा सामान है करके. एंड आई एम लाइक अगर थोड़ा सामान है तो लगेज में फिट करके मैं ला दूंगा करके. सो फास्ट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, इतना बड़ा एक लगेज, एंड आई एम लाइक भुलक कर एक लगेज ही भूल गए इधर के. एंड आई एम लाइक मैं कॉल किया, मैं कह रहा कि नहीं आपने थोड़ा बताया था, तो उस हिसाब से आई कैन नॉट रियली फिट दिस इन, स्टूडेंट कोटा के 25 kg से ज़्यादा हो रहा है, आई एम सॉरी नहीं हो सकता है. सो इन द लाइफ स्पैन ऑफ, इन द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ स्पैन, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, लाइक वुमेन्स रियली कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, उनको आता ही नहीं है नो लेना. तो शी गेट्स ऑल असर्टिव एंड शी इज लाइक, तो लाइक आप हैंड लगेज में ले जाओ, हैंड लगेज में वो वेट चेक इन नहीं करता, तो आप लेके जा सकते हो. एंड लाइक आई एम लिटिल इरिटेटेड माई सेल्फ, और मैं कह रहा कि पहली बात तो नो नको ना ही इल्ले, 4 languages में मना कर दिया मैंने. एंड अगर उस लगेज में चक्के होते तो मैं उसे घसीट घसीट के सोचता भी, बट लाइक अब तो दिस नो चांस. एंड द सेकेंड रीजन इज कि आपने दिल्ली एयरपोर्ट देखा नहीं है क्या, लाइक उधर लिटरली स्टैंडिंग एस्केलेटर्स हैं जाने के लिए, इतना बड़ा है. लाइक बुड्ढों के लिए ई रिक्शा है उधर एयरपोर्ट के अंदर, एंड वहाँ मैं आपको ये उठा के जाऊँ, लाइक इट्स नॉट रियली फीजिबल. एंड माइंड माई वर्ड्स वेन आई से दिस, वुमेन रियली कैनॉट टेक नो फॉर एन आंसर. तो ये बंदा आया, तो ये बंदी कहती कि शी गेट्स ऑल मैनिपुलेटिव एंड शी सेज लाइक कि छी तू मर्द नहीं है क्या करके. एंड आई एम लाइक मैं मर्द हूँ बट चूतिया नहीं. तो this manipulative sideness of the females, अगर आप देखोगे when you get into this artistic side of a career, ना जब आप performances ऐसे करोगे तो you realize कि ये it's somewhat witnessed in this artistic side. तो even the host and decorators of this program, like मैं रिक्सेंदी और पल्लवी को बोल रहा था कि मैं performance करने वाला हूँ, इसके मुझे कुछ पैसे ऐसे कुछ मिलेंगे करके, and they're like पैसे तो नहीं बट तलन तुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा करके, एक्सपीरियंस मिलेगी एक्सपीरियंस. तो लाइक आज तू एक्सपीरियंस कमा, कल तू पैसे कमाएगा इसके ऊपर. तो यू कैन गेस इज नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. एंड यू नो मैं आई डोंट यूज दिस स्लैंग, मैं गाली गलौज का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट लीडिंग अप टू दिस स्टैंड अप कॉमेडी मैंने कुछ चमन चूतिया ऐसा कुछ कहा. These I truly believe are just words of expression, you know. Like ये cuss words नहीं, expressive words है. Because आप अगर ये 2-4 शब्द हटा दो तो हमारी लाइफ में हर किसी के पास ऐसे कमीने दोस्त होंगे जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या बोलते हैं, 10 साल की दोस्ती ये 2-4 words तोड़ सकती है, इतना पावरफुल है words. And you know, अगर हम लड़कों के आई थिंक
लड़कों के पलवरिश के बारे में बात करें, वी ऑल हैव दैट वन वुमन यू नो दैट दैट डॉक्टर स्ट्रेंज जो घर में कुछ भी गायब वगैरह ढूंढ के निकाल देगी. आर दिस थ्री लेटर वर्ड आर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव मॉम ऑब्वियसली. तो लाइक I've actually written a poetry that I would like to say, mom to you. That is, like, who is mom? It goes like, who is mom? Hindi mein bole to mamma kaun hoti hai? Mamma, wo.